for success on Amazon. Very high sales. Daily sales are near about 100 units or more. Hi, my name is Kumar Ujjwal and welcome to Power Law. अभी तो दो ही चीजें हैं कि तो स्टॉक का था कि जो वॉशिंग मशीन कवर का वो वाला इश्यू आ रहा है बिकॉज वही कि फैक्ट्री से ही नहीं बन रहा है वो जो मटेरियल कॉस्टली भी अभी हमारे पास वॉशिंग मशीन का है ही नहीं क्या स्टॉक एकदम भी दो हफ्ते से नहीं सर वॉशिंग मशीन और जो हमने FBA में भेजा था ना कुछ वो सब निकल गए क्या हाँ वो FBA में सारे बिक गए जो मेजर हमारा बिकता है वॉशिंग मशीन कवर जो टॉप लोड वाला है जो फ्रंट लोड वाला है वो एक दो निकल रहे हैं डेली कल दो निकले उसका स्टॉक है उसका 40 यूनिट्स के आसपास भेजा था जो अभी 30 के आसपास बचा होगा वो मतलब 15 दिन खींच देगा कोई अगर दो दो भी निकलता है तो वो आलम क्या आलम बनाने में डिले हो रहा है उसको मटेरियल नहीं मिल रहा बनाने के लिए दूसरे सप्लायर्स जो हैं उनसे बात चल रही है तो उनका भी स्टॉक बिक गया ऑलमोस्ट एक से बात हुई थी दिल्ली में ही एक मंडे को वो देने के लिए रेडी था हम ट्यूसडे तक डिले हो गया लाइक कंफर्म करने में ट्यूसडे को हमने बात की तो उसका बोला कि सारा स्टॉक बिक चुका है ऐसे ही काफी सारे सप्लायर्स जैसे चेन्नई में है उनका भी स्टॉक खत्म है फिर आलम है मुंबई में उसका तो बना ही नहीं पा रहा है वो दिल्ली वाले का सारा स्टॉक खत्म है वो बोल रहे हैं कि अब फैक्ट्री ओपन नहीं हो रही है तो बनेगी वैसे तो अभी आलम को तो पैसे भी बढ़ा रहे थे ना 10 रुपए तो फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम है सबके लिए पैसे तो बैक बहुत बाकी सप्लायर्स का भी सेम ही सिचुएशन है कि बना नहीं पा रहे हैं ये हो रहा है लॉकडाउन प्राइस तो सबका ही सेम है 140 हाँ 140 के आसपास ही है या तो उसके ऊपर ही है लास्ट हमको 140 ही मिला था जो दूसरा दिल्ली वाला था और हम लेने के लिए भी उससे बिल जब मांगने गए कि बिल कर दो आप 200 यूनिट का बोला कि सर कल स्टॉक बिक गया सर स्टॉक नहीं अवेलेबल है नहीं तो उसकी सेल अच्छी हो रही है और दूसरा जो बेबी कैरियर अभी स्लो हो गया है सबका स्लो हो गया है पूरी कैटेगरी स्लो हो गई बेबी कैरियर वॉशिंग वाले का फिर क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं फिर वॉशिंग वाले का कुछ नए मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सैंपल भेजेंगे एक सैंपल निकल गया है राजकोट से वो सैंपल ट्रैक करके बता दें भाग्यश्री कहाँ पर है हम ग्रुप पे डाल देंगे ट्रैक करके कहाँ पहुँचा है वो जो सैंपल राजकोट से निकले और दिल्ली पहुंच गया अभी आ जाएगा कल तक हो जाएगा कल संडे नहीं तो मंडे को तो आ जाएगा बाकी जो चीजें हैं जैसे एक दो जगह से और सैंपल अभी बन ही रहा है अभी डिस्पैच भी नहीं हुआ है तो वो लोग नए हैं पहली बार बना रहे हैं मतलब ये सेम मटेरियल का कुछ और बनाते थे फिर वो एक बार ये ट्राई करेंगे बनाने आलम को हम लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हेल्प नहीं कर सकते मटेरियल रॉ मटेरियल वो तो डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाता है और वो बोल रहे थे फैक्ट्री वाले सिर्फ थान के थान देते और वो बोल रहे हैं कि मेरा कनेक्शंस हैं बट फैक्ट्री ही नहीं खुल रही है प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो मिलने में दिक्कत हो रही है मुंबई में ना वो खा दिया भाई सूरत साइड से ही आता है उसका भी थोड़ा सा हमारा वो है ना मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस है थोड़ा हम लोग के लिए ना तो क्या करें अब माल ही नहीं है पीछे फैक्ट्री होती सब दिक्कत होते तेरे को भी ठीक है यार सब सबको बेचना है वो लगे पड़े जैसी माल आता है करो यार वैभव तुम कुछ करो यार प्रोक्योरमेंट वो क्या कर लेगा भाई वो हम सबको कॉल कर लेगा बात कर लेगा हमने एक ऐसा डील भी करने की कोशिश करी दो बार बोल रहा था आलम की मैं भेज रहा हूँ लिटरली रिप्लाइड तुम्हारा भी तो दिस इज लाइक वन थिंग स्टेटस है हमने बात भी करी और उससे भी कोई नहीं इसके अलावा कुछ और हाँ मतलब थोड़े वो तो हमारा इंटरनल है कि थोड़े कीवर्ड्स वर्ड्स हिल रहे हैं तो हम लोग लाइक लोग पता नहीं क्यों लॉकडाउन में अलग अलग चीजें सर्च कर रहे हैं मतलब जिस चीज को जो बोलते थे वो नहीं बोल रहे तो हम लोग वो सब पैकेट से सॉल्व कर ले रहे हैं वो सब की सारी चीजें बाकी बस सप्लाई की दिक्कत है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बाकी सब एक हफ्ता तो बाद ही कुछ दिखेगा नेक्स्ट सैटरडे को मिले तो उधर कुछ माल हुआ हमारा क्या है ना दूर से मंगाने का नुकसान होता है ना साला 5-6 दिन तो आने में लग जाता है दिल्ली वाला जैसे बेबी कैरियर हमारा उसी दिन आ जाता है जैसे ही बनता है वो भेज देता है तो वो जो दिल्ली वाला सप्लायर जो तुमने ढूंढे हो उसका सैंपलिंग किया है हमने क्या उसका एक्चुअली दिल्ली में प्रॉब्लम क्या था वो भेज नहीं सकता था तो हमारी बात हुई थी कि हम जाएंगे वहाँ पे सैंपल एक देखेंगे और पसंद आएगा तो 200 यूनिट उठा के ले आएंगे तो उससे फिर हमने जब कॉल किया कि सर 200 का बिल बना के भेज दो हाँ 200 का बिल बना के भेज दो फिर हम आते हैं तो कि कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारा माल वहाँ पे तो फिर हम जब भैया बात करें तब तक एक दिन 24 घंटे के अंदर उसका सारा माल बिक दोबारा इसका कब आना है लॉट
इनके पास से बैकएंड से सप्लाई नहीं है ना, इसलिए तो वो लोग भी कुछ डेफिनेट नहीं बोल पा रहे। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है वो लोग, बोले कि बॉर्डर के अंदर हम कुछ भी भेज, हमारा पैकिंग का भी मटेरियल इसीलिए रुका हुआ है कि शॉर्टेज तो है ही हर चीज की, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। वो बोले कि सर बॉर्डर तक अंदर अंदर कहीं भी भेज देंगे, बॉर्डर क्रॉस। हमने कहा कि हम फाइल थोड़ी सी शॉर्टेज है सप्लाई, व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड, बट आई बिलीव दिस वीक सॉल्व होगा। मेरे हिसाब से तीन चार दिन में दिल्ली में सिचुएशन तो ओपन होगी, आई थिंक विद इन 5 to 7 days they will open, not more than that. Yeah. So, yeah, बाकी सब कुछ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं और पाइपलाइन बना के रखते हैं। हाँ, इस बार अब बड़े वॉल्यूम मंगाएंगे। पहले बताओ तेरे को 200-250 हो सके, अगले दूसरे तीसरे दिन मूवमेंट शुरू हुआ 500-1000 ऐसा टाइप सोचेंगे कि ये हर रोज ना करना पड़े, लाके हमने छोड़ दो। ठीक है ठीक है ठीक 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 है।